गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दिल्ली में मैंने आने के बाद से ब्लॉगिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा आज सैटरडे है और फ्री टाइम है, तो स्टार्ट कर देती हूँ आज ब्लॉग। आज का पूरा दिन क्या करने वाली हूँ बताएं, क्योंकि आज का पूरा दिन तो नहीं, अभी 1:30 बज गए हैं। मैं सुबह से उठी हूँ, ब्रेकफास्ट दे दिया था मैं को और मैंने साफ सफाई कर ली है। उसके बाद मैंने सोचा है कि कुछ कुछ चीज़ें आज करेंगी और मतलब कुछ कुछ चीज़ें करूँगी। तो अभी मैंने मैं आपके बातों के चक्कर में यहाँ पे जो चला के आई थी वो भूल गई। एक्चुअली आज मैं बना रही हूँ ना आलू की कचौड़ी, वो मैदे वाली बनती है ना, वो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इनको बहुत पसंद है वो और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि मुझे यही बना दो, तो ये बना रही हूँ। और अभी फिलहाल मैं ये बनाऊंगी और उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। आज इनको पाने का मन किया है तो ये पूरी प्लांटिंग यहाँ पे करवा रहे हैं। ये फूल का क्या नाम है? सालविया। सालविया तो ये खिल जाएंगे ना, इसको तोड़ दे जाएंगे फिर पौधे। ये फूल खिलता है? हाँ। अच्छा, ये फूल जब खुल जाएगा तो फिर इसको तोड़ देंगे, फूल को ये तोड़ दीजिएगा ना, फिर पानी यहाँ छोड़ जाएंगे। अच्छा, तो बहुत सारे फूल लग रहे हैं, काफी अच्छा लगेगा। लगवाते तो हम लोग बहुत रहते हैं लेकिन फिर खराब हो जाता है ना। मनो आपके गमले में लगा दे सारे? नहीं, अभी आप देख लीजिए। तो ये यहाँ पे प्लांटिंग करवा रहे हैं और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और आज मैंने सोचा है ना कि मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली दी को हम लोग बुला रहे थे, मतलब मैं काफी जिद कर रहे थे दी को आने के लिए, तो वो आज डॉक्टर के यहाँ गई है। तो हम लोग सोच रहे हैं ना आज, मतलब हमने वैसे बोला है कि हम कल जाएंगे, बट मैं सोच रही हूँ आज ही शाम तक में निकल जाते हैं या देखते हैं, क्योंकि आज इन्होंने इतना काम फैला दिया है ना कि टाइम नहीं मिल रहा। अभी तक बस ब्रेकफास्ट की हूँ मैं और उसके बाद कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसके बाद। बट गुलाब जामुन तो कन्फर्म है कि मैं बनाऊंगी। तो अभी बस ये बना लेती हूँ मैं, और मेरा किचन बहुत गंदा है, मैं अभी साफ सफाई करने वाली हूँ। अभी मैंने जस्ट झाड़ू पोछा किया है बहुत घस घस के, क्योंकि ठंड में डेली नहीं हो पाता अच्छे से ना सफाई, मतलब बहुत कॉमन तरीके से ही करते हैं हम। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से सब, और मैं ये नोटिस कर रही हूँ मुझे क्या लगा है पता नहीं अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो फिर मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, बताओ कैसी बनी बहुत गरम है। आलू की कचौड़ी? हाँ बहुत गर्म है बेटू, तो आराम आराम से खाना आप, ठीक बा। तो इनकी फरमाइश पे बन रहा है आलू की कचौड़ी और मैं तो सुबह से काम कर करके थक गई बेटू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ आज, तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। ये लास्ट बैच है और मैंने तल लिया है ऑलरेडी। और आज इस बार ना मैंने एक चीज़ नया किया था, क्योंकि मैं गुलाब जामुन बहुत बनाती हूँ हर बार, ये अमूल का जो खोआ होता है ना वो यूज़ किया है, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पता नहीं क्यों ही। मैं खुद से जब वो दूध खुद से मावा बना के करती थी ना तो बहुत अच्छा बनता था, इसलिए मुझे इस बार डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है कि मैंने क्यों ही ये मावा यूज किया। बट कोई नहीं, कहते हैं ना कि कर करके ही पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो इस बार तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुआ है बना के। तो चलिए मैं अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि कैसा बना है, अदरवाइज मुझे तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। सच में नहीं पता कि कैसा बना है, क्योंकि हर बार मैं जब खुद से मावा करती थी तो कितना टेस्टी बनता था, वो ना पिचक रहा था। रेड रेड क्या है? हाँ वो रेड रेड को छोड़ो, आप पहले टेस्ट बताओ कैसा बना है। तो बहुत गर्म है ना, थोड़ा सा ऐसा कैसे खा रहे हो बिट्टू अंदर का? बहुत गर्म है। ठीक है फिर आप ठंडा पहले होने तो फिर खा, टेस्ट करो, ठंड हो गई होगी, ठंडा हो गया बिट्टू। कैसा बना मुझे रोनार, अभी रस अंदर जाएगा, रस अंदर नहीं गया है। बट टेस्ट ठीक है? ठीक है, बट पहले वाले की तरह। हाँ क्योंकि मैं बाहर वाला मावा से बनाई हूँ ना, खरीदा हुआ। मुझे खुद ही बहुत दुखी हो रहा है, अब मैंने बना ली कभी भी इससे। टेस्ट भी नहीं आ रहा है, मुझे पता है वो मावा ही बेकार है। हेलो, इतना बुरा बना है ठीक है,
लगता है, मुझे खुद ही पता है। मैंने तो पहले ही बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वैसा नहीं बना। बट कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से मैं उस इस मावा का तो डेफिनेटली नहीं बनाऊंगी, पता नहीं कौन सा मावा होता है। चलिए अब बना तो लिया है मैंने, क्या कर सकते हैं, अब खा पी लेंगे, ख़त्म तो करना ही है। भैया क्या लेके ले जाना है? तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग जा रहे हैं दी के यहाँ, तो अभी हम लोग मेट्रो से निकल गए, मतलब मेट्रो स्टेशन पहुँच गए दी के साकेत, और अभी यहाँ से एग्जिट करके पहुँच जाएंगे। और दी के लिए बहुत सरप्राइज़ है, इन्होंने बोला था कि बताना मत, सरप्राइज़ देंगे, तो मैंने अभी तक तो हाइड रखा है ये। कौन सा एग्जिट? तो अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट होके डायरेक्ट जाएंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि बैंक ने ये सरप्राइज़ देने का प्लान किया था, तो सरप्राइज़ ही है ये। और तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे दी का रिएक्शन, और वहाँ पे जाके पता चलेगा दी को कि ओह, मतलब हमने बोला था कि हम कल आ रहे हैं, मतलब कल जाएंगे संडे को, बट हम सैटरडे को ही रात में निकल के चल जाते हैं, तो दी को नहीं पता है, तो अभी उसको भी पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद वहाँ पर। पागल ये पकड़ के खड़े थे क्या दीदी? रुक जाओ बेटू, सरप्राइज दे दिया तुम्हें, तो सो रही थी ये, हम बोल रहे थे बता के खाना बनाएगी दीदी, सबने चलेगा। अब गेस्ट आया, आप बनाओ शांति से, आप बना के खुद खाओ, दो पहली बार आए शादी के बाद बोला खुद से बनाओ, ज्यादा सरप्राइज देने का यही है कि इंसान सोया हुआ मिलेगा। हम इनको बोल रहे थे, वो तो नहीं नहीं सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे। हो गया, आते ही दीदी का परेशानी स्टार्ट हो गया, बना रही है बर्गर, तो अभी मिलेगा बर्गर खाने को। बेचारी दीदी सोई हुई थी, हम लोग आए तो उठते ही रहे। हाँ वो तो है ही, सरप्राइज कभी कभी इंसान को परेशान भी कर देता। और ये मैं का ही प्लान था, क्योंकि हम बोल रहे थे कि नहीं, उनको शक भी था मेरे ऊपर, पता है, क्योंकि बार बार पूछ रहे तुम बता दी होगी ना, पक्का बता दी होगी ना, मैं बोली नहीं नहीं बताई, कसम से नहीं बताई। तो फिर हम बोले अच्छा ठीक है, सीक्रेट रख लेते हैं, क्योंकि हम सोचे हाँ सुबह है तब थोड़ा, हाँ प्लान तो सुबह, फिर उनको भी ये था ना कि सुबह, मतलब समझ लो कि लेट से ही जाओ, जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ सुबह कितना बजे भी उठोगे, 10 बजे से पहले वो उठते नहीं है, वो अपने वजह से बोल रहे थे कि फिर ना लेट हो जाएगा, और सही बात है, फिर आते ही फिर तुरंत, मतलब फिर मंडे को तो वैसे भी ऑफिस जाना है। कल दोपहर में, आज दोपहर में बोले तो बहुत सारा काम था जायज, ये पौधा वाला तो 3-4 बजे तक गया, 3 बजे तक आई थिंक या 2 बजे तक, पता नहीं ये आ गया था वो 12 बजे तक, 12:30-12 बजे तक। तुम लोग जैसे कि हम लोग उधर से जब हॉस्पिटल से आ रहे थे, साथ में आ रही थी या फिर उसी के मॉर्निंग में आ जाती? हाँ उस टाइम तक, लेकिन काम नहीं हुआ था ना, मैं गुलाब जामुन बना रही थी ना, तो गुलाब जामुन बना के आई हूँ ना मैं। गुलाब जामुन बनाई हो तो पता नहीं कैसा बना है, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चले। अच्छा नहीं बना है, पता है पिछले बार जैसा हम लोग हमेशा बनाते थे ना, वैसा नहीं बना है। पूछा क्यों? क्योंकि मैंने अमूल का इस बार मंगाया मावा, खुद से मावा नहीं बना, इससे पहले खुद से बनाती थी ना वैसे वैसे करके। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? कम वर्क करना पड़ी थी कहाँ से? इसीलिए नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था ना, आज ही बना के लेके आना था, मुझे पता था कि मैं शाम में आऊंगी आज, तो आज लेके कैसे आती फिर? आज शाम में क्यों आना था? और मुझे क्योंकि आपने कहा था, क्यों तुम सरप्राइज देने का सोचा? हाँ। और क्या, क्यों सोचे थे सरप्राइज देने के लिए? पूछे क्यों? बस कर बेटू बस कर, तो ये तो पागल ही बनाते रहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग किचन में हैं, क्यों इनका नॉन स्टॉप चलता रहता है? दीदी किचन में क्यों? क्योंकि उसको काम करना है, आपको तो आराम करना है सर। हाँ बड़गो तो खाते हैं बेटू, सलाद नहीं खिलाते वो उसके साथ
क्या बोलते हैं वो होता है ना ब्रोकली बाजी बाजी क्या चीखा बाजी भैया चपा चप मार लिए एक ही मिलेगा जितना पहले स्टार्ट किए थे तो बर्गर कौन सा तीन खाया जाता है एक ही मिलेगा पेटू क्या पूछ रही है दीदी अच्छा बना है दीदी अपने हिस्से से भी दे देगी और सोना अपने हिस्से से भी दे देगी ना ना दे दो उसको देखे सीरियस हो गया गाइस गाइस ये लोग सीरियस हो गया कि भाई भूखर अतिथि पहुंच गया अभी तो स्टार्ट किया दो बाइट मैं किधर से खाऊं इसको अरे चिपका के ही खाओ अच्छे से चिपका के और प्याज निकल रहा था भाई साहब बेटू फिर से संभल गए ऐसा तो खिचड़ी दो खाने खाने वाले खिला देती है झटका खाने बिल्कुल बीच में पकड़ो ना बेटू आप साइड से पकड़ रहे हो सर बीच में पकड़ा जाता है ना देखो टिक्की निकल रहा है आपका हाँ जानबूझ के तो कर ही रहे मुझे नहीं पता इनका इनको मस्ती सूझता है हर चीज में कैमरामैन फोकस करो देखो यहाँ पे प्लेट में क्या क्या सब गिरा दिया है भैया दो बच्चा नहीं होता बदमाश वही लग रहे हो आप कि दो बच्चे होते हैं ना बदमाश एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए वही है अब मेरे आने का मैं वेट कर रही हूँ हम लोगों का डिनर तैयार डिनर डिनर वैसे तो धुआं फेंक रहा है हाँ नहीं नहीं है तो हम लोगों का डिनर हो रहा है ये हक्का नूडल्स क्योंकि बर्गर खाया था तो ज़्यादा भूख नहीं था तो इसलिए हम लोग ये खा रहे हैं और दी अभी तक आए नहीं रही उसका वेट कर रही हूँ मैं ए तो वो ठंड तो नहीं लग रहा है सॉल चाहिए क्या नहीं अभी तो नहीं लग रहा मुझे ठंड थोड़ा जाए के अंदर बट इसका अच्छा होता है हक्का नूडल्स है हाँ। ना यम्मी होता है यस काफ़ी यम्मी है चलो खाओ टेस्टी है तो खा तो जाओ हाँ ये डिनर हो रहा है मैं तो पांडा लग रही हूँ क्यूट लग रही हूँ पांडा तो क्यूट होता है ना तो चलिए ऐसा था आज का दिन आए मस्ती की खाया पिया अभी बस डिनर करके हम लोग सो जाएंगे थोड़ी सी गप सप करके तो चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू और नूडल्स खा लीजिए हाँ नूडल्स भी खा लीजिए आप और पसंद आए ब्लॉग तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय गुड नाइट